नमस्कार, एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को मिलेगा प्रधानमंत्री। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है तमाम पार्टियों की धड़कनें अब धीरे धीरे तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल में कितना काम दिख रहा है जनता अब अपने सांसदों के काम का बना रही है। आखिरी रिपोर्ट कार्ड इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन संसद में उपस्थिति यानी अटेंडेंस, प्रश्नों की संख्या नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड और सांसद निधि का उपयोग, विशेष योगदान क्या रहा। और इसके साथ साथ हमारा दूसरा आधार है ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे, यानी कि ग्राउंड जीरो और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। जी हां, इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। तो एमपी के रिपोर्ट कार्ड की कड़ी में आज हम आपको बिहार के नवादा लोकसभा के सांसद चंदन सिंह का रिपोर्ट कार्ड दिखाने वाले हैं। जी हां, चंदन सिंह एलजेपी की टिकट से नवादा से सांसद बने। 2019 में चंदन सिंह नवादा लोकसभा की जनता के लिए एकदम नए थे और साथ ही राजनीति में भी पूरी तरह से नए थे, लेकिन मोदी लहर में वो जीतने में कामयाब रहे। यहां जीतने में कामयाब रहे नवादा लोकसभा में पांच साल में विकास कैसा रहा? सांसद चंदन सिंह जनता की उम्मीदों पर सटीक उतरे या नहीं? सांसद के तौर पर चंदन सिंह कितने सफल रहे? नवादा की जनता जरूर रिपोर्ट कार्ड बना रही होगी। नवादा लोकसभा सीट की जनता अपने सांसद के रिपोर्ट कार्ड में कितने नंबर दे रही है आपको थोड़ी देर में बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड के प्रोड्यूसर गौरी शंकर की ये रिपोर्ट। नवादा लोकसभा सीट, बिहार की नवादा लोकसभा सीट की अपनी अलग पहचान है। प्राचीन समय में मगध साम्राज्य का मुख्य अंग रहा है। यह क्षेत्र महाभारत के काल में जरासंध के राज्य का हिस्सा था। जैन और बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए नवादा खास जगह है। वर्तमान में यहां से सांसद हैं एलजेपी से चंदन सिंह। नवादा लोकसभा सीट पर 1957 से लेकर आज तक चुनाव में कोई खास अंतर नहीं देखा गया। यहां जाति मुद्दे इतने प्रभावी हैं कि विकास से जुड़े तमाम मुद्दे चुनाव के समय गौण हो जाते हैं। 1957 से आज तक मात्र 3 ही ऐसे सांसद हुए जो नवादा लोकसभा से ताल्लुक रखते थे, बाकी सभी सांसद बाहरी ही रहे हैं। देखते हैं नवादा लोकसभा सीट का इतिहास। 2009 के आम चुनाव में बीजेपी से भोला सिंह यहां से सांसद बने। वहीं 2014 के आम चुनाव में बीजेपी से गिरिराज सिंह यहां से सांसद बने। वहीं 2019 के आम चुनाव में यहां से एलजेपी से चंदन सिंह सांसद हैं।
नवादा सीट को 10 साल तक बीजेपी ने अपने कब्जे में रखा। 2019 में ये सीट एनडीए गठबंधन के तहत एलजेपी के हिस्से आई। नवादा लोकसभा में करीब 20 लाख मतदाता हैं। विकास की बात करें तो नवादा में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं दिखता है। यहां कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं, बरबीघा, रजौली, हिसुआ, नवादा, गोविंदपुर, वारसलीगंज। इस लोकसभा सीट में करीब 20 लाख मतदाता हैं। भूमिहार और यादव वोट करीब बराबर हैं। इसके बावजूद यहां से भूमिहार सांसद ही चुने जाते रहे हैं। देखते हैं यहां का जातिगत समीकरण। भूमिहार 20%, यादव 19%, राजपूत 4%, ब्राह्मण 7%, दलित 19%, मुस्लिम 15%, ओबीसी 10% और अन्य जातियां 6% हैं। नवादा लोकसभा की जनता विकास के लिए तरस रही है। बाहरी सांसदों की वजह से यहां विकास होता ही नहीं है। सांसद किसी भी पार्टी के हों, चुनाव जीतने के बाद यहां दिखते ही नहीं है। नवादा के हर क्षेत्र में पिछड़ापन साफ तौर पर दिखता है। यहां की जनता के सामने कई विकराल समस्याएं हैं। मसलन रोजगार का बड़ा मुद्दा है, पलायन, जातिवाद, पेयजल, बदहाल सड़कें, अपराध, गांव का बुरा हाल, शिक्षा स्वास्थ्य पूरी तरह से लचर और किसानों का भी बुरा हाल है। 2024 का आम चुनाव नवादा लोकसभा के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले नवादा की जनता सांसद चंदन सिंह के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद चंदन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो कैसी है नवादा लोकसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे, चुनाव के वक्त जातिगत समीकरण कैसे हावी होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका लोकप्रिय पसंदीदा शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड आखिर तैयार कैसे होता है? हमारी टीम दिन रात आपके सांसद का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी है। चलिए आपको दिखाते हैं कैसे बनता है आपका अपना पसंदीदा शो, देश का सबसे बड़ा राजनीतिक शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड। दर्ज कर रहे हमारे रिपोर्टर। हर संसदीय क्षेत्र में जनता की राय। फोन पर सवालों का जवाब दर्ज कर रही बड़ी टीम। डेटा कलेक्शन और एनालिसिस में जुटी है एडिटोरियल टीम। फिर तैयार होता है एमपी का रिपोर्ट का। तो आपने देखा आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम कैसे हमारी टीम दिन रात कर एमपी का रिपोर्ट कार्ड बनाने में जुटी रहती है। वहीं जनता कई पैमानों पर सांसद चंदन सिंह का रिपोर्ट कार्ड बनाने में भी जुटी है। और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद चंदन सिंह की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं संसद में प्रदर्शन चंदन सिंह का कैसा रहा। संसद में किए काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर 10 में से चंदन सिंह को कितने नंबर मिल रहे हैं,
आइए आपको दिखाते हैं। संसद में उपस्थिति की बात करें तो सांसद चंदन सिंह करीब 79% उपस्थित रहे हैं, 79%। सदन में नवादा लोकसभा और देश हित में सांसद चंदन सिंह हमेशा सवाल उठाते रहे हैं। 2019 के बाद सदन में सांसद चंदन सिंह ने 50% सवाल पूछे, जो नवादा लोकसभा सीट और देश हित से जुड़े रहे हैं। वहीं सांसद निधि की अगर बात करें, सांसद निधि यानी एमपी लैड फंड, जो हर साल एक सांसद को अपने क्षेत्र में विकास यानी कि डेवलपमेंटल वर्क के लिए 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, सांसद चंदन सिंह मात्र 42% सांसद निधि का उपयोग कर चुके हैं। पिछले 5 साल में नवादा संसदीय क्षेत्र में किए गए विशेष काम और देश हित में उनका विशेष योगदान करीब 35% है, जो कि काफी कम दिखाई देता है। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि खर्च और विशेष योगदान के आधार पर नवादा के सांसद चंदन सिंह को 10 में से मिल रहे हैं पूरे 5.2 नंबर, 10 में से 5.2 नंबर। चंदन सिंह बिहार नवादा के सांसद। तो जैसा आपने देखा, संसद में किए गए काम पर नवादा के सांसद को 10 में से 5.2 नंबर मिले हैं, लेकिन क्या सिर्फ इसी नंबर पर वो पास माने जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जनता के रिपोर्ट कार्ड पर ही, यहां जनता जो रिपोर्ट कार्ड बना रही है उसी पर हार और जीत का फैसला होगा। इंडिया न्यूज के सर्वे में कुछ सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों का जवाब नवादा लोकसभा सीट की जनता ने खुले दिल से दिया है। हजारों लोगों से बात करने के बाद देखिए जनता का फैसला क्या निकल कर सामने आया है आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल, क्या आपके सांसद क्षेत्र में रहते हैं? हाँ कहने वाली जनता है 40%, नहीं कहने वाली है 56%, और पता नहीं यानी डोंट नो 4%। दूसरा सवाल, क्या आप अपने सांसद के कामकाज से खुश हैं, यानी कि आर यू हैप्पी? हाँ कहने वाली जनता है 35%, नहीं कहने वाली 60%, और पता नहीं 5%। तीसरा सवाल, क्या पार्टी के आधार पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 42%, यानी 42%, नहीं कहने वाली 50%, और पता नहीं 8%। क्या उम्मीदवार के नाम पर आप वोट देंगे? हाँ कहने वाली जनता है 35%, नहीं कहने वाली 45%, और पता नहीं 20%। पांचवां सवाल, मौजूदा सांसद की जगह क्या उम्मीदवार बदला जाए? हाँ कहने वाली जनता है 65%, 65%। नवादा के लोग कहते हैं कि हाँ उम्मीदवार बदल देना चाहिए, नहीं कहने वाले 20%, और पता नहीं 15%। छठा सवाल, 2024 आम चुनाव में क्या मोदी फैक्टर करेगा काम? मोदी फैक्टर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फैक्टर क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में करेगा काम? एमपी का रिपोर्ट कार्ड के सर्वे में अधिकतर लगभग 90% लोग ये मानते हैं कि मोदी फैक्टर सबसे बड़ा फैक्टर होगा। हां कहने वाली जनता है 70%, नहीं कहने वाली 20%, और पता नहीं 10%। सातवां और आखिरी सवाल, 2024 चुनाव में क्या मौजूदा सांसद को आप वोट करेंगे यानी बटन दबाएंगे? हां कहने वाली जनता है 30%, पता नहीं 5%।
और नहीं कहने वाली जनता है कि हम वोट नहीं देंगे। 65% जी हाँ, 65% लोग कहते हैं हम मौजूदा सांसद को वोट नहीं करेंगे। 7 सवालों का जवाब नवादा लोकसभा की जनता अलग अलग तरह से देती नजर आई। कई लोग कह रहे हैं कि सांसद का काम कहीं नहीं दिखता, तो कई लोग सांसद के काम को ठीक ठाक भी बता रहे हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बदलने की जरूरत दिखाई पड़ रही है, क्योंकि सांसद चुनाव के बाद क्षेत्र में कभी दिखे ही नहीं, विकास कार्य कहीं भी दिखाई नहीं देता या कहीं नहीं दिखाई देता। फंड की अगर बात करें तो कोई बहुत ज्यादा फंड भी उपयोग में नहीं आया। नवादा के सांसद को जैसा आपने देखा, नवादा के सांसद को चंदन सिंह को संसद में किए गए काम पर 10 में से 5.2 नंबर मिले थे। जी हाँ, तो आपने देखा हमारे 7 सवाल हमने पूछे और जनता का प्रतिशत यानी जनता ने क्या कहा वो भी हमने आपको बताया। तो कई लोग सांसद के काम को ठीक ठाक भी बता रहे हैं। ज्यादातर लोग मानते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बदलने की जरूरत है, क्योंकि सांसद चुनाव के बाद दिखाई ही नहीं दिए, विकास कार्य कहीं भी दिखता नहीं है, फंड खर्च करने में भी सांसद कोताही बरतते हैं जो कि सरकार देती है। एक सांसद को 5 करोड़ रुपया साल का मिलता है। वहीं 2024 चुनाव में मोदी फैक्टर नवादा की जनता के लिए भी अहम है, इंपॉर्टेंट है। तो ग्राउंड में किए गए काम के आधार पर नवादा लोकसभा की जनता 10 में से चंदन सिंह को दे रही है मात्र 4.4 नंबर। 10 में से 4.4। अब वक्त आ गया है जिसका इंतजार आपको भी होगा। अब जानते हैं सांसद चंदन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में आखिर जनता ने लिखा क्या है। पास या फेल, संसद में किए गए काम के आधार पर सांसद को 10 में से 5.2 नंबर मिले हैं। वहीं नवादा लोकसभा की जनता से जो सवाल हमने पूछे उस आधार पर 10 में से महज 4.4 नंबर मिले हैं। और अगर दोनों कामों को मिला दिया जाए तो सांसद चंदन सिंह जनता की उम्मीदों पर सटीक नहीं बैठ रहे, और इसीलिए नवादा की जनता ने सांसद चंदन सिंह के रिपोर्ट कार्ड में लिख दिया है फिर सांसद चंदन सिंह जनता की नजर में, जनता द्वारा लिखे गए रिपोर्ट कार्ड में फेल हो गए हैं। नवादा लोकसभा सीट में हजारों लोगों से बात करने पर यह आंकड़ा इंडिया न्यूज अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। महिला, पुरुष, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी से लेकर हर धर्म और जाति के लोगों से बात करने के बाद यह दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आया है, जिसे हमने आपको दिखाया, बताया, समझाया, जिसमें नवादा के सांसद चंदन सिंह पास नहीं बल्कि फेल हो गए हैं चंदन सिंह। तो आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम, आपका अपना लोकप्रिय शो एमपी का रिपोर्ट कार्ड, जिसमें नवादा के सांसद चंदन सिंह फेल हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर नवादा की जनता वोट करेगी कहना इस समय बड़ा मुश्किल है। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और माननीय सांसद महोदय के साथ। तब तक के लिए एमपी का रिपोर्ट कार्ड की टीम के साथ आपके अपने मनीष अवस्थी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।